नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 19 दिसंबर दिन रविवार। दोस्तों वैसे आज फ्रूट मंडी, आलू मंडी, प्याज मंडी बंद रहती है, सब्जी मंडी खुली रहती है, पर सब्जी मंडी में भी माल थोड़ा कम आता है। कुछ आड़ती छुट्टी करते हैं, कुछ जो है दुकानें खोल लेते हैं क्योंकि कच्चा सौदा है। जो जानते हैं आज का शिमला मिर्च का, हरी मिर्च का, तीखी मिर्च का क्या कुछ रेट, जहाँ पर जो सन्नी भाई और आते हैं ये तो आज बेच के निमट के जा लिए, जान लेंगे आज। मुझे लगता है कि माल भी यहाँ कम है, माल तो आया होगा इनके पास, पर ये तो आज बेच के जा लिए। इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना इस नंबर पे कि इनकी दुकान पे क्या रेट गई। चलो जानते हैं इनके पड़ोस वाली दुकान पे, जिनके पास ये शिमला मिर्च भी आती है, मोटी मिर्च, तीखी मिर्च, अचारी मिर्च, सारी किस्म की मिर्च आती है इन भाई साहब के पास, और भी सामान आता है। जानते हैं भाई साहब के पास जो अपना शिमला मिर्च आई और अपना ये आंवला आया और ड्रमस्टिक आती है, नसूर आता है, जानते हैं क्या कुछ रेट रहा। सर जी नमस्कार जी। सर जी अपनी दुकान पे क्या क्या माल है जी? शिमला मिर्च आई थी आगरे वाली, आगरे वाली ये आठ डिब्बे वाली आई। अच्छा, इसका क्या रहा जी? ये 40 से 42 रुपए की है। 40 रुपए से 42 रुपए। और कट्टे वाली जी, वो बेली की कट्टे वाली भी की 35-36 रुपए किलो। 35-36 रुपए। आज तेज है, कल से बाजार? हाँ जी, कल से बाजार तेज है फिर आज तो। आज और अपना वो ये पापड़ी जी, पापड़ी भी की 20 से 22 रुपए किलो। अच्छा जी। और लीलम 74 भी की है 15-16 रुपए किलो। अच्छा जी। और बारी मिर्ची तीखी वाली बिकी है 78 नंबर बिकी, 20-22 रुपए किलो। बरेली वाली जी? हाँ जी, बरेली वाली 78 नंबर, 20-22 रुपए। हाँ जी, ठीक है जी। इसका भी कल ही जैसा है तो बजा। हाँ जी, बिल्कुल। और अपना आंवला क्या रेट गया जी? आंवला बेका 26-28 रुपए किलो। 26-28 रुपए आंवला का, तो शायद ठीक है जी। हाँ ठीक है। और अपना वो ड्रम स्टिक क्या रेट? ड्रम स्टिक बिकी 80-90 रुपए किलो। 80-90 रुपए। कल ड्रम स्टिक मंदिर आई थी, काफी माल पीछे से माल काफी आया था। अच्छा जी, अच्छा जी। और लसूड़ा नहीं आया जी? लसूड़ा नहीं आया कल। चप्पन टिंडा जी, वो बिका 40 रुपए किलो। आज चप्पन टिंडा 40 रुपए किलो जी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? 4-37-98-91-90-90-88। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी, ये व्यापारी हैं आगरे के? आगरे के। हाँ जी। लाओ जी, क्या नाम है दोस्त अपना भाई? मेरा नाम है कृष्णा। अच्छा, शिमला मिर्च लगाते हो? शिमला लगाता हूँ। और ये पापड़ी? पापड़ी भी लगाता हूँ। अच्छा, इन्हीं के पास लेके आते हैं जी? हाँ। अच्छा जी, अच्छा, 15 साल हो गई मुझे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं, ठीक रेट भी करा माल? हाँ, मेरा भी कहा 43 रुपए आज। अच्छा जी। हाँ, एक ही लाट गया, सबसे बढ़िया थी जी आपकी? सबसे बढ़िया थी, 43 रुपए बिका है। वैसे मंडी में किया सबकी 40 रुपए 38 रुपए। अच्छा, 38-40 रुपए, आपका 43। मेहनत ज्यादा करी होगी आपने? मेहनत ज्यादा होती है। अच्छा, और वो नहीं लगाते आप दूसरे वाली, वो बारीक मिर्ची? नहीं नहीं, वो नहीं लगाते। पापड़ी और नीलम? पापड़ी, नीलम और शिमला। अच्छा जी, अच्छा। दादा, और इसके बाद क्या लगाते, क्या फसल? इसके बाद कुछ नहीं। हाँ जी, खाली सारा साल खाली। अच्छा जी, धन्यवाद। कौन सा गाँव अपना? मेरा गाँव है गढ़ी हंसराम। नहीं, गांव 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 गढ़ी हंसराम। अच्छा, गढ़ी हंसराम। हाँ। ये तो आदमी का नाम चला गया गढ़ी हंसराम, तो नहीं, नहीं, गांव का नाम है? गांव का नाम है। अच्छा जी, अच्छा। और जिला कौन सा पड़ता है? जिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। अच्छा जी, धन्यवाद जी दोस्त। बात करते हैं आर के एंड कंपनी पे। जानते हैं राहुल ब्रदर्स के पास अपना ये जो फ्रांस बीन आई, ये क्या रेट बिकी? फ्रांस बीन तो बिकली थोड़ी बहुत ही पड़ी इनके पास। और अपना जो है मटर आती है, जानते हैं मटर का भी आज का क्या कुछ रेट चला। चलो एक शॉट पहले बोली का ले लें, छोटा सा शॉट। छबिया 124। दोस्तों मेला पूरा है, भीड़ पूरी है, दूर तक सबके पास बोली चल रही, वही जान लेते हैं। लो जी, भाई साहब से जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब आज क्या बात, संडे के दिन आप तो हर संडे को छुट्टी करते हो, मथुरा वृंदावन भाग जाते हो, आज क्या बात? ठंड ज़्यादा हो रही है। मटर में फंस गए आज फिर? नहीं, मटर नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा जी, फैमिली रीजन था, मर गया नहीं मैं। अच्छा जी, नहीं आप तो हर संडे को जाते थे जी, कभी संडे को मिले ही नहीं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलो अगले का सही जी, संडे जाएंगे। और आज क्या कुछ बाजार चला जी? आज मंडी माल कम है। अच्छा जी, लेकिन बाजार भी चल रहा है 26-27-28 का भी फिलहाल। अच्छा, तो ये बाजार है, लेकिन माल कम मंडी में, बाजार उठने के चांस हैं आज। हाँ, माल कम है, वो संडे है, देखते उठता नहीं उठता।
अच्छा जी, चांस जिस टाइम माल की अराइवल है मंडी में 15 गाड़ी है। अच्छा जी, 15 तो कम है जी, जैसे वो 25 तक आ जाएगा। संडे ना मंडी, संडे मंडी जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, तो देखते हैं, उठता नहीं उठता बाजार फिलहाल, तो अभी बाजार चल रहा है नॉर्मल। 26 तारीख तो एक मटरी मंदी रहेगी जी। वैसे बाकी जो सर्दी के सीजन की सारी सब्जियां ऊपर उठी, गोभी भी ऊपर जाली, गाजर भी और भी सारे सौदे, मटरी मंदी है खाली। भिंडी इंडी है महंगी है अभी। ये तो यहाँ के लोकल खत्म हो लिए ना जी, ये तो बाहर खत्म हो लिए, लेकिन अभी धीरे चल रहे अभी। और फ्रांस बीन का क्या चला जी आज का जी? ये वही चल रहा है 26 तारीख 28। आज 1-2 रुपए का फर्क है जी इसमें, वही 1 रुपए का डाउन है। 26 तारीख मंडी में। अच्छा जी, अच्छा, हाँ 26-27 2 रेट जा भी गए। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के। सर जी और गोभी का कौन? रामू एंड पार्टी बताएगी जी। रामू था, रामू। अच्छा दोस्तों, बात कर लेते हैं भाई रामू भाई के पास, जैसे इनके पास ये सीडलेस खीरा है और गोभी। गोभी तो देखना कैसी है, आज तो गोभी है बिल्कुल घटिया वाली गोभी है, या तो बढ़िया वाली छांट होगी इनके पास बची होगी। और इनके पास ये अपना ये सलगम है, गोभी है, सीडलेस खीरा है, बैंगन है। जान लेते हैं भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार जी। भाई साहब जी, क्या कुछ बाजार चला जी, क्या क्या माल आया? भाई साहब, पर जो गोभी आई थी अपने पास, बढ़िया गोभी बिका 20-22-25 तक का। अच्छा, 20 से 25 रुपए तक, बढ़िया वाली जी। बढ़िया वाली। और ये वाली? ये वाली बिक रही है 12 रुपए किलो 10 रुपए। अच्छा, छांट है ये? हाँ, ये छांट है, 2 नंबर है सारा। अच्छा जी, और सलगम? सलगम बिका है 400 रुपए, बढ़िया सलगम 25 किलो का कट्टा जी। 25 किलो का कट्टा। अच्छा जी, और चाइना खीरा बिका है सीडलेस 33-34 रुपए किलो आज तक। 34 ज्यादा नहीं बिका, ज्यादा 32-33 बिका है। अच्छा जी, और ये नंबर दो का ये पड़ा? ये नंबर दो का पड़ा है। ये क्या रेट? ये बिकेगा 10-12 रुपए किलो। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। नुक्स तो कोई नहीं है, बस वैसे टेढ़ा बिंगा है, बाकी तो उन तो ठीक है। हाँ हाँ, टेढ़ा मेढ़ा है और जो वैसे है। हाँ, काना तो कोई नहीं होता है? काना कोई नहीं होता, वैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है वही होता है। अच्छा जी, और बैंगन का क्या रहा भाई? बैंगन 10 रुपए किलो बिका है आज, बैंगन 10 रुपए। 10 रुपए। और अपने पास वो नहीं आ रहा जो गुजरात का मोटा बैंगन, वो बता रहे 18 रुपए तक पहुँच गया? वो अभी नहीं आया, आएगा वो भी अपने पास। ये कौन सी जगह का है जी? ये आगरा का है। आगरा का बैंगन ये पुराना हो गया, इसलिए 10 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी, और अपने पास आया था टिंडा, टिंडा बिका है 40 रुपए किलो। चप्पल टिंडा को, खाली देसी टिंडा? चप्पल टिंडा आया था। अच्छा, देसी नहीं चप्पल ही आता है हमारे पास। चप्पल नहीं, चप्पन? हाँ, चप्पन टिंडा, चप्पल वो सब यहाँ चप्पल ही कहते हैं। अच्छा जी, और अपना वो ब्रोकली नहीं आई भाई? ब्रोकली आज नहीं आई थी। अच्छा, आज उसकी जगह जुगनी आई थी। अच्छा जी, जुगनी, जुगनी भी की 18 रुपए किलो। जुगनी 18 रुपए, ये जो हरे वाली? हरे वाली, पीली नहीं आती? पीली नहीं आती। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, बात करते हैं महेंद्र सिंह भाई जी की दुकान पे। जैसे इनके पास बथवा तो आता ही आता है, और जैसे इनके पास ये आज टमाटर भी आया, जान लेते हैं ये इनकी दुकान पे वैसे टमाटर कौन से इलाके का आया। क्रेटों में अखबार लग के इनके पास आज ये टमाटर भी आया, जो 1 नंबर टमाटर है, और ये जो गोली बोलते हैं जिसको 2 नंबर टमाटर। और इनके पास दोस्तों ये टिंडा आया, टिंडा जो है ये बाहर के लिए पैकिंग हो रही, बाहर जाएगा यहाँ से, ये पनियों में टिंडा आता है। जान लेते हैं इसका टिंडे का, ये देसी वाला टिंडा, ये देसी टिंडा है, और इसको बोलते हैं चप्पन टिंडा, वो जिसकी जो छोटा चप्पन कद्दू बोलते हैं जिसको, वो चप्पन कद्दू टिंडा, और ये देसी टिंडा। और इनके पास ये पीले वाली जुकनी, हरी जुकनी, और ये नंबर दो की जुकनी, क्या रेट बिकी? सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज क्या क्या माल है जी? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जोर का जी थोड़ी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज चप्पल टिंडा आया था जो 30-35 रुपए किलो बिका है। अच्छा जी। और ये देसी टिंडा दिखा रहे हैं आपको। हाँ जी। ये महाराष्ट्र से आया हुआ है। अच्छा, ये 70 रुपए 60 रुपए 80 रुपए। अच्छा जी, ये बिक रहा है। और हरी जुगनी 70 रुपए 80 रुपए बिक रही है। हरी नहीं, पीली, पीली जुगनी 70 रुपए 80 रुपए बिक रही है। अच्छा, ये 2 नंबर वाली नहीं बिक रही। और हरी जुगनी 20-25 रुपए किलो बिकी है। अच्छा जी। अच्छा, ये टमाटर बिक रहा है 500-550-600। अच्छा जी, ये कहाँ का है जी टमाटर? ये राजस्थान का टमाटर, देसी टमाटर है जी। अच्छा, राजस्थान का देसी। हाँ जी। और एक छोटा छोटा गोली पड़ी जी, उसका क्या बाजार? 250-200 रुपए करेट। अच्छा जी, हाँ जी। और ये बथवा आया था 60-50 रुपए दड़ी। चने का साग है 250 रुपए दड़ी, 200 रुपए दड़ी। चने का साग यानी 50 रुपए किलो तक चला गया जी? हाँ जी। अच्छा जी, 200 रुपए दड़ी। अच्छा जी, मेरा आजादपुर मंडी महेंद्र सिंह सिसोदिया, मेरा मोबाइल नंबर है 93-11-370-778। सभी भाई किसान भाइयों को मेरी राम राम। राम राम जी, धन्यवाद जी।
दोस्तों इनकी दुकान रात को 9-10 बजे शुरू हो जाती है। इस टाइम तो बाबू जी की जो है थोड़ी बैटरी भी लो ली, क्योंकि सारी रात के जागते हैं थोड़ा, बस अभी इनका चलने का टाइम हो लिया यहाँ से। अभी तो रहेंगे जी 2 घंटे, अभी तो 7 बजे, 2 घंटे तक रहेंगे, 9 बजे तक जी। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। करते हैं भाई साहब के पास जो ये बैंगन आया, मोटे वाला बैंगन, जान लेते हैं भाई साहब के पास। एक ये बोरी वाला बैंगन और एक ये पन्नी में आता है, जो स्पेशल बैंगन ही बेचते हैं यहाँ पर, 12 महीने इनका बैंगन का ही काम। हाँ दोस्त, आपका 12 महीने बैंगन का ही काम? अच्छा, तो क्या रेट चला जी? सर पन्नी वाला भरता बैंगन ये चला 14-15 रुपए किलो। 14-15 रुपए किलो ये सारा। और ये बोरी वाला जी? बोरी 300-350 रुपए। बस सिर्फ बैंगन से अलग और कुछ नहीं बेचते? हाँ सर बैंगन ही बेचते हैं। ये 300-350 की बोरी। और हाँ। वजन कितना है इसमें? वजन इसे 30-32 किलो। अच्छा 30-32 किलो। हाँ। ये कहाँ का है जी? ये राजस्थान अलवर साइड का है। अलवर का जी? हाँ जी। और वो जो एक गुजरात का 18-20 रुपए किलो चल रहा है, आज नहीं आया है। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद दोस्त, अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भाई अपना। भाई साहब दुकान करते मोबाइल नंबर बोल दे। 99-98-48-59-10। 99 कितना 8-9-12-9-9। 99-99-48-59-10। अच्छा जी। हाँ 99-99। हाँ जी। अच्छा दोस्तों बात करते हैं पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी का वही रेट 1000 की और 1100 रुपए की बोरी 60 किलो की पत्ता गोभी की, जो उत्तर प्रदेश हापुड़ की आती है, हापुड़ की पत्ता गोभी 1000 से 1100 रुपए की। करते हैं ड्रम स्ट्रिक सिंगी की। ये जो ड्रम स्ट्रिक सिंगी है दोस्तों, ये आती है महाराष्ट्र से। इसका महाराष्ट्र वाली का रेट है दोस्तों 100 रुपये से लेकर 110 रुपये किलो, और जो नीचे में 90 भी मिल जाएगी। ये कल मंडी में ज़्यादा आ गई थी, वैसे इसका बाज़ार काफ़ी हाई था, कल मंडी में ज़्यादा आने के कारण कल की ये बची हुई है, पर आज भी इसका बाज़ार है 90 रुपये से लेकर 110 रुपये किलो ड्रम स्ट्रिक सिंगी महाराष्ट्र की। दोस्तों बात करते हैं भाई साहब के पास भी जो अपना है नीलम आई, नीलम पापड़ी, नीलम 74, जान लेते हैं इनकी दुकान पे भी क्या कुछ बाजार चला भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, क्या क्या कौन कौन सी मिर्च है? शिमला भी आती है शिमला? हेलो भाई, अपने पास शिमला 74, 86, 13, 60 वगैरह मिर्ची आती है अपने पास। अच्छा, सब अपनी फिरोजाबाद की तरफ की है। अच्छा, नारगी साइड की। अच्छा जी, जी जी। तो शिमला का क्या चला जी? शिमला बिकी है भाई 40-38 रुपए से लेके 42 रुपए तक। अच्छा। 35 मतलब बढ़िया जो है 42 रुपए की 35 रुपए से 42 रुपए तक की मार्केट। डिब्बे वाली कट्टे वाली? ये डिब्बे वाली। अच्छा जी। और जो अपनी 74 है, 74 बिकी है 14-15 रुपए किलो। अच्छा जी। 13 हाँ ये अच्छा जी 14 रुपए किलो बिकी है, और 13-60 है इसके अंदर। वो देखो उधर ये वाली? हाँ ये वाली जो है मतलब 10 रुपए का बाजार है जनाब आज का। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। और उसका तीखी नहीं आती जी अपने पास? तीखी वाली आती है वो, मतलब आज उसका भी बाजार डाउन है, 15-16 रुपए किलो का बाजार है उसका। अच्छा जी जी जी। अच्छा। ये अपने सारे किसान है, एक मिनट इधर देखो भैया, इनको इधर देखो, इधर ये उधर कहीं है, ये सारे के सारे वहाँ फिरोजाबाद के जी। ये बड़े व्यापारी हैं ये। अच्छा। ये वहाँ से खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं ये। अच्छा, खरीद के जाते हैं वहाँ से? हाँ, हाँ, चलो खरीद के लाते हैं। किसानों का माल तो कम से कम वहाँ से खरीदा जा रहा जी। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर जी? 98-91-93-82-76, 98-911-51-274। अच्छा, हाँ D423 नंबर, अजादपुर मंडी। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों बात करते हैं जिमीकंद की और शकरकंदी की। जो जिमीकंद का बाजार है सेम टू सेम कल वाला है, और जिमीकंद ये शकरकंदी भी सेम टू सेम कल वाली है। एक भाई का कमेंट आया था कि जिमीकंद पूछना कि आंध्र प्रदेश से कौन सी जगह से आता है। भाई साहब जी, जो जिमीकंद आंध्र वाला है, ये आंध्र वाला ये कौन सी जगह से आते हैं आंध्र में से? कौन से का? ये आंध्र प्रदेश का ही इलाका है, ध्यान नहीं मेरे को। अच्छा जी, कोई अंदाजा मोटा सा? नहीं ध्यान, सोच तो लो, लग कैमरा बंद कर दूं, सोच लो नहीं। दोस्तों इन भाई साहब के दिमाग में तो अभी आ रहा चिट्ठी भी आता है, कहते कि चिट्ठी पे तो लिख कहता है, पर जो व्यापारी है वहाँ से वो छोटे लाल जी भरते हैं, छोटे लाल जी भरते हैं आंध्रा का अपना ये जिमीकंद, और ये बैलगाम से शकरकंदी आती है, रेट जो है सेम टू सेम कल वाला। दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश सब्जियों की। इंग्लिश सब्जियों में जैसे हैं सारी वाली सब्जियाँ भाई साहब के पास आती है, मैं इनकी सबसे पहले भी वीडियो बनाता हूं, तो आज भाई साहब ये दोबारा मिल गए यहां पर गली में, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी दुकान पर आना छोड़ दिया, तो मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आज आपको टाइम मिला तो हम आपकी दुकान पर आ गए, क्योंकि इनका काम पहले ज़्यादा ही बिजी था। चलो कोई बात नहीं, जान लेते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ रेट चला है। इनके पास एक नई चीज़ भी आई, जानते हैं भाई साहब से इसके बारे में भी क्या 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 खासियत है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी फिर इधर आ जाओ जी, वहाँ से तो पता नहीं चलेगा थोड़ा। लो जी, हाँ जी भाई, धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, ये
ये रेड येलो कैप्सिकम है भाई साहब, 200 रुपए रेट चल रहा है इसका। 200 रुपए होलसेल का, रिटेल का? होलसेल 180 रुपए। अच्छा होलसेल 180 रुपए। हाँ जी हाँ जी। चलो आप उसके यानी 20 रुपए का फर्क होता है रिटेल में और होलसेल में? चलो कोई नहीं, रिटेल का ही बता दो फिर आप। और ये भाई साहब जी, ये रेड लेटुस बोलते हैं इसको। अच्छा जी, दोनों एक ही है जी? हाँ जी, ये ग्रीन लेटुस है जी। अच्छा जी, ये क्या रेट जी? ये रेड लेटुस है 60 रुपए किलो। और ग्रीन वाली? ग्रीन वाला है 20 रुपए किलो। खाली 20 रुपए? हाँ जी, ये लोकल चालू हो जाता है ना इस टाइम, हिमाचल का नहीं आता इसलिए। अभी ये लोकल आ रहे हरियाणा के? हाँ लोकल आ रहा है, अभी 2-3 महीने लोकल ही चलेगा। और वो वहाँ वाले जो पहले हिमाचल चल गए थे, अप्रैल से, अप्रैल मई से चालू होगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। और ये भाई, ये चैलेंज कैबेज होती है, ये क्या रेट चली? ये भी 20-25 रुपए किलो है। अच्छा जी, ये जैसी अपनी पत्ता गोभी होती है वैसी ही बनती होगी ये भी? नहीं नहीं जी, इसकी किमची बनती है, ये जो कोरियन होता है ना, कोरियन। हाँ हाँ, कोरिया वाले यूज करते हैं इसको ज्यादा। अच्छा जी, हाँ इसका जैसे अपना सिंपल अचार बनता है घर में। अच्छा जी, तो इसका ना कोरियन जो लोग होते हैं इसका अचार बनाते हैं, किमची टाइप बोलते हैं जिसको। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, एक चटनी की तरह। वो क्या पता जी क्या क्या खा रहे जी, हमको तो बस खाली पत्ता गोभी था कि हम तो सीमित रह गए जी। ये बताओ भाई, चेरी टमाटर? ये चेरी टमाटर है। हाँ जी, चेरी टमाटर रेट 100 रुपए आज का। 100 रुपए किलो जी? किलो जी। हाँ जी। और एक भाई साहब, वो चेरी टमाटर में पीले रंग का आता है छोटा छोटा? हाँ, वो येलो चेरी होता है। हाँ, 200 रुपए रेट है उसका। वो 200 रुपए जी? हाँ जी। अच्छा, वो थोड़ा महंगा है जी? वो महंगा तो सिर्फ पार्टी वगैरह में 100 के लिए चलता है, जैसे 5-star होटल में डिमांड हो गई ऐसे। अच्छा जी, अच्छा, नहीं तो रेगुलर आइटम नहीं है। और ये भाई साहब जी, ये पोक्ची होता है? ये पोक्ची क्या रेट जी? ये जी ये 15-20 रुपए किलो है। ये भी सब्जी में ही काम आती है? और ये क्या चीज है? ये स्नो पीस है जी। स्नो पीस मतलब? ये तो मटर जैसी है कुछ? हाँ जी, मटर जैसी होती है, मटर की भी बहन है ये। अच्छा जी, तो इसमें दाने नहीं निकालने के, बस ऐसे ही काट के? नहीं, इसको ऐसे सैलेड में यूज करते हैं। और सब्जी भी बनती है? सब्जी नहीं बनती सर, खाली सिंपल बस ऐसे ही सैलेड, ऐसे ही खाते होटल वाले यूज करते हैं सैलेड वगैरह के लिए। अच्छा, पार्टी में जैसे नया साल आने वाला है। हाँ जी, 25 दिसंबर आने वाला है, उसमें ज्यादा यूज होता है। अच्छा जी, और लेमन ग्रास का क्या चल रहा है भाई? लेमन ग्रास का जी 60 रुपए चल रहा है जी। 60 रुपए किलो? किलो जी। अच्छा जी, हाँ जी। और ये भाई लाल पीली ना, ये पीली जुगनी येलो है? जुगनी येलो। हाँ जी, जुगनी येलो 180 रुपए चल रही है। अच्छा जी, ये तो वही चीज हो गई जी। हाँ जी हाँ जी, ग्रीन जुगनी इस पे मारो कैमरा, ग्रीन जुगनी। अच्छा, ग्रीन जुगनी। ये ग्रीन जुगनी 20-22 रुपए बिक रही है अभी। 20-22? हाँ, ये तो पीछे भी होलसेल में भी यही चल रहा जी, जो आ रही जी। ये रोकेट लीफ है? ये पार्सली है। ये पार्सली का क्या रेट? पार्सली का 160 रुपए। पार्सली किस काम में आती है वैसे? पार्सली भी शो के काम में आती है, एक थोड़ा सा ऊपर लगा दिया किसी डिश के ऊपर बना दिया, जैसे धनिया काट के घेर देते हैं बस। हाँ, इसको घेर देते हैं, इसको ऊपर लगाते हैं। अच्छा जी, जो उसकी कली होती है ऊपर की वो लगाते हैं। खाने खाई तो जाती है? हाँ, खाई जाती है। अच्छा जी, और ये भाई? और ये रॉकेट लीफ्स है। ये क्या रेट जी? ये भी अपना 100 रुपए चल रहा है इस टाइम। ये किस काम की भाई? ये भी सैलेड में यूज होता है। सैलेड में ही? हाँ जी। अच्छा, अभी इसके बारे में बताओ जो आप बता रहे थे। ये केल लीफ है जी, केल बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये हार्ट पेशेंट होते हैं ना जो? हाँ जी हाँ, उनके लिए काम आता है ये, जूस वगैरह के लिए। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी। ये तो देखने में ऐसे लग रहे जैसे ब्रोकली गोभी के पत्ते? नहीं नहीं जी, ये अलग है, देखने में लग रहा है ऐसे है, लेकिन ये अलग है। टेस्ट में अलग है जी ये? फिर खाने ये टेस्ट में भी अलग है, जूस वगैरह बनता है, जो जूस पीते हैं सेम टू सेम। ये तो जैसे ब्रोकली गोभी के पत्ते होते हैं ना, तो ये कैसे काम, कैसे यूज की जाएगी भाई ये? इसको घर पे ले जाओ, धोने के बाद अपना यूज करो, उसको जूस वगैरह में डालो, जूस वगैरह पियो उसका। अच्छा जी, सुबह जी। हाँ जी, ये हार्ट पेशेंट वालों के लिए बहुत बेटर चीज है ये। क्या नाम बताया आपने इसका? इसका केल लीफ्स बोलते हैं, केल लीफ्स। केल लीफ्स, हाँ जी। तो इसका क्या रेट है जी? इसका रेट है जी 120 रुपए। 120 रुपए किलो? हाँ जी हाँ जी। तो लेते हैं भाई इसको लोग? हाँ, बहुत ले जाते हैं, हमारे पास द्वारका वाला एक बंदा आता है, एक ही बंदा ले जाता है 25-25-30 किलो। अच्छा जी, हाँ जी। तो जूस में ही चलते हैं, हार्ट पेशेंट है उनके लिए, बहुत बेटर चीज है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी, जानकारी देने के लिए बड़ी खुशी हुई जी दोबारा मिलकर जी। दोस्त, अपनी दुकान का एड्रेस और अपना भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर जी? दुकान नंबर अपना 1238 है, कॉन्टेक्ट नंबर है 7065121212। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए जी। करते हैं मशरूम की, जानते हैं मल्होत्रा ब्रदर्स के पास आज का क्या कुछ मशरूम का रेट चला, जिनके पास ये 2-3 किस्म की मशरूम आई। आज एक नई मशरूम है, आती तो वैसे पहले भी है पर देखने को मिली, जैसे एक ये देसी मशरूम और एक अपना ये डब्बी वाली जो आती है मशरूम, वो खुले बड़े पैकेट हैं, और एक इन भाई साहब के पास ये आधा किलो की पैकिंग आई और बहुत ज़्यादा वाइट है। जान लेते हैं इसमें और इसमें क्या कुछ फ़र्क है रेट में और क्या खासियत है इसकी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब, इसके बारे में बताओ पहले, क्या बता रहे थे जी आप? नहीं, ये गर्मी में जो आती है अनमाश मशरूम है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक है?
अच्छा जी, जैसे ही फार्म में होती है इसको वैसे ही तोड़ देते हैं और वैसे ही पैक कर देते हैं। अच्छा जी, वो जो है वाश वाली ये धुली हुई मशरूम है। अच्छा जी, इसको ये केमिकल से पोटेशियम से वॉश होती है। अच्छा, ज़्यादा वाइट नज़र आ रही है। अच्छा जी, लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ। अच्छा जी, तो इसकी खासियत क्या है जी और इससे? इसकी लाइफ ज़्यादा है, दो दिन चार दिन आप फ्रिज में रख दोगे पैकेट ऐसा कैसे रहेगा, ऐसे कैसे, इसकी लाइफ कम है, 24 घंटे से ऊपर लाइफ नहीं। अच्छा, ये देसी वाली जी। हाँ जी, तो रेट में कितना डिफरेंस है जी? रेट में महंगी तो ये बिकनी चाहिए लेकिन वाइटनेस की वजह से महंगी वो। अच्छा जी, हाँ जी, वाजीवानी लोग सकल के ऊपर मर रहे हैं अंदर से मन काला। हाँ जी हाँ जी, वो कहते हैं दिल्ली शहर नमूना अंदर मिट्टी बाहर चूना। अच्छा जी, अच्छा अच्छा तो आज का क्या रेट चला जी? ये बिक्री है 70 रुपए किलो। अच्छा जी, ये वाली बिक्री है 80 रुपए किलो। ये 80 रुपए और ये 70 रुपए। हाँ, इसमें जो ज्यादा वाइटनेस ज्यादा लिपस्टिक लगी होती है। हाँ जी, 90 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा, जितनी ज्यादा गोरी चिट्टी होगी उतनी वैल्यू। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। और भाई साहब वो डब्बी वाली का क्या बाजार जी आज का? डब्बी वाली बिक्री आज 100 रुपए किलो। डब्बी वाली 100 रुपए। हाँ जी, तो अराइवल कितनी आ रही है आज मंडी में? अराइवल मंडी में होगी कोई 30-40 टन के आसपास। 30-40 टन जी, आजकल तो सारी दुकानों पे ही बिकता है जी माल। तो कई दिन मैंने एक दुकान से इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे कि 70 रुपए तो इसका वो टीन वाले ले जाते हैं जो। नहीं जी, उनका 75 रुपए कैनिंग वालों का रेट है। अच्छा जी, घर से ही माल उठा लेते हैं 75 रुपए, यानी वो जो। हाँ, ये अनवाश माल है ना। हाँ जी, ये इसको वो डब्बा बंद करते हैं इसका। अच्छा जी, ये 75 रुपए के उन्हीं का सरकारी रेट है। हाँ जी, अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस ले ले, ले इसकी भी, तेरी भी दिखाऊं, ले देख ले देख ले देख ले। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जी। अपनी दुकान का एड्रेस है D1351 मल्होत्रा ब्रदर्स, लोडर है लोडर। फोन नंबर है 9654443-14। अच्छा, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। दोस्तों वैसे फिर भी देख लो, ये इनकी दुकान का एड्रेस है। हेलो दोस्तों, जो मल्होत्रा ब्रदर्स की दुकान के बाहर जो अपना, ये तो आज बोली लग गए, देखो ये बोली भी करते हैं, हाड़ती हैं यहाँ पर। और इनके जो ये बाहर दाल सुनिए बेचते हैं, क्या चीज़ है, अंकुरित दालें, मूंग की दाल और ये सारी किस्म की, और बेबी कॉर्न मक्की, और ये भाई साहब ये स्वीट कॉर्न मक्की के बेचने वाले हैं। जान लेते हैं इनसे भी रिटेल के क्या कुछ रेट। हाँ दोस्त, क्या नाम है अपना? प्रदीप शुक्ला है मेरा नाम, प्रदीप शुक्ला। तो अपने पास ये बेबी कॉर्न का क्या रेट है? बेबी कॉर्न का इस समय पैनेट का रेट चल रहा है 110-120 रुपए किलो। हाँ अच्छा जी, और ये वाली? और दाल का 60 रुपए है, ये साल का सालो फिक्स रेट रहता है 60 रुपए। 60 रुपए किलो। हाँ देख ले तू भी। अच्छा जी, इसका 60 रुपए। हाँ 60 रुपए फिक्स रेट रहता है पूरे साल। अच्छा जी, चल किसी को मंगवानी हो तेरे से मोबाइल नंबर बोल। मोबाइल नंबर मेरा 8384068733। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। ले भाई साहब आप भी बता दो ये स्वीट कॉर्न मक्की का, इसके जो आप अच्छा इसमें बेचते हो इसको निकाल कर पन्नी में पैक करके, तो क्या रेट चल रहा भाई? 80 से 90 रुपए किलो है जी। 80 से 90 रुपए किलो। 80 से 90 रुपए। इसका तो ऊपर नीचे चलता रहता है रोज मक्की के हिसाब से चल रहा है, इसका फिक्स तो नहीं होता जी। नहीं, नहीं। और इसका क्या रेट चल रहा है स्वीट बेबी कॉर्न का जी? नहीं, स्वीट कॉर्न मक्की का रेट 2200 की बोरी है, महंगी हो गई जी अब। हाँ जी, पीछे फसल कब है। हाँ अब तेज हो लिए, ये दिखती हाँ। भी नहीं है कौन सी दुकान पे, रात को ही बिक जाती है ना ये। 372 रुपए आते हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो आज इसका क्या रेट बताया भाई? आज 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो। हाँ जी, धन्यवाद दोस्त। अपना मोबाइल नंबर बोलो। 9544000420। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों। अब पहुंच चुके हैं गाजर की मंडी में। जो गाजर की मंडी है ये सारी यही मूली वाला साइड में लगती है, क्योंकि मैं उधर से जो लास्ट का कोना है वहाँ पर साग सब्जी बेचता हूँ, उधर से ही चला जाता हूँ। तो वैसे आज यहाँ पर मिल गए जो आड़ती हैं, इनका गाजर का जो काम है, ये गाजर की मंडी है। यहाँ काफ़ी आपको गाजर बेचने वाले मिलेंगे, जहाँ पर ये बोरियाँ मिलती हैं, और इनके पास ये गोभी आती है पत्ते वाली गोभी, और इनके पास अपना ये बैंगन आता है। जानते हैं भाई साहब से आज का बैंगन का, गाजर का और फूल गोभी का क्या कुछ रेट चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का क्या कुछ चला जी गाजर का रेट जी? गाजर का रेट चला जी एक नंबर का 1500 से लेकर 1700 रुपए। 1500 से 1700 रुपए। हाँ जी। और वजन कितना है जी बोरी का? वजन 80-85 किलो। 80-85 किलो। हाँ जी, और जैसी वो मोटे वाली है वो ये वो बिका जी 500 से लेकर 600 रुपए। 500 से 600 रुपए। हाँ, वो वजन 80-85 किलो, उसमें भी 80-85। और ये चूरे वाली चूरा पड़ा जी, जो चूरा 500 से 650 रुपए। 500 से 650 जो जूस किया जी। हाँ जी,
एक नंबर तेज है जी फिर। एक नंबर महंगा होता ही है। तो अब गाजर का रेट बढ़ा, एक दो दो चार दिन पहले थोड़ा कम भी आ गया था जी एक बार। बीच में वो राजस्थान वाली आली कैथल, अच्छा जी, तो उसमें वजन होता था 50 से 60 किलो 62 किलो, अच्छा जी, तो वो 1200-1300 की बिकती थी एक नंबर, अच्छा जी। इसमें ये लोकल है, अच्छा जी, तो इसमें मतलब 80-85 किलो वजन होता है, मीठा गाजर होता है। अच्छा, अपना हरियाणा वाली जी। हरियाणा वाली, अच्छा जी, हाँ जी। और ये फूल गोभी का क्या चल रहा है जी? फूल गोभी का ही चल रहा है, पोर्ट बिक रहा है 400 से 500 रुपए, 400 से 500 रुपए की। हाँ। ये बोरी है पल्ली जी। हाँ जी। और वजन कितना जी इसमें पत्ते तोड़ कर? ये 15-16 किलो। 15-16 किलो। हाँ, गोभी तेज हो गई अब तो। हाँ, गोभी महंगी है, 20 से 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो तक बिक रही है। अच्छा जी, पन्नी में आती है? पन्नी वाली। अच्छा जी, और बैंगन का जी कहाँ वाला जी? बैंगन ये है जी पानीपत वाला, पानीपत का, सोनीपत पानीपत वाला हरियाणा का। ये नई फसल है जी कि ये पुरानी फसल है इनकी? ये नई फसल स्टार्ट हुई थी ना। हाँ जी। अभी 1.5 महीना हो गया इसको चलते चलते। अच्छा जी। हाँ जी, इसका पल्ला बिक रहा है 40 से 50 किलो वजन, इसे बिक रहा है आपका 500 से लेकर 700 रुपए। अच्छा, ये अपना सोनीपत पानीपत का बैंगन है जी? हाँ जी। बैंगन बढ़िया जी है? हाँ, बढ़िया होता है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, भरते वाला होता है। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जी? अपनी दुकान का एड्रेस D376। और मोबाइल नंबर जी? 9211-2298-04। दोबारा धीरे बोल दो, 9211-2298-04। अच्छा जी, तो आप ये मूली वाले साइड में ही मिलोगे यहाँ पर जी? हाँ जी, लास्ट में कॉर्नर पे जी। हाँ जी। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों, बात करते हैं टमाटर की, जानते हैं टमाटर का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां हैं टमाटर की। जो अपना हिमाचल वेजिटेबल कंपनी वाले हैं, तो भाई साहब काफ़ी दिन के बाद मिले, जान लेते हैं आज के पास इनके पास ये कहां का टमाटर आया, गोलवाला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज तो कई दिन बाद मिले, किधर थे? हम थे जी भौजी नासिक में, किनारा। अच्छा जी, टमाटर भर रहे थे जी वहां? टमाटर भर रहे थे भौजी, हाइब्रिड। अच्छा जी, बंद कर दिया जी अब तो? बंद कर दिया भौजी अब। क्या बात जी? बात ऐसा था भाजी, कुछ यहाँ भाव थोड़े कम हो गए थे। अच्छा, और वहाँ बाजार टाइट था। अच्छा, तो इसलिए जो मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, तो अब ये कौन सा इलाका चला जी? ये चला है भाजी अपना शिवपुरी का इलाका जी, देसी टमाटर है जी। अच्छा, टमाटर तो बढ़िया जी, चमकदार है जी टमाटर, तो जाल वाला लग रहा जी, तो है जी बांस वाला, हाँ, तार बांस वाला टमाटर, तार बांस वाला टमाटर है जी। तार बांस वाले टमाटर की आज की पोजीशन है भाजी 500 रुपए से लेके और 570-580 रुपए तक इसकी जी। इसकी भाजी, हाँ जी, जी। अच्छा जी, और जो इसमें नीचे वाला होता है जी वो? और जो जमीन वाला टमाटर है भाजी, वो 450-500 की पोजीशन है उसकी जी। अच्छा, डाउन आ जी टमाटर? हाँ, डाउन है जी। और जो एक शाऊ टमाटर होता है, इसमें शाऊ शाऊ के पोजीशन मान के चलो जी 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक। शाऊ क्या मतलब? शाऊ एक बीज अलग होता है जी, क्वालिटी उसकी अलग होती है। अपने पास है जी? अपने पास है जी, यहाँ शाऊ है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो उसमें ईम सोना टाइप में चला गया जी? सोना टाइप में है जी। अच्छा जी, शाऊ इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन है भाजी 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो ये भी तार बाड़ का जी? है तार बांस का, लेकिन बीज की क्वालिटी में, इसमें क्वालिटी में फर्क है। ये तो हिम सोना टाइप में चला गया ना जी, चपटे वाला? हाँ हाँ हाँ, हिम सोना टाइप में, लेकिन इसका छिलका जो है ना जी, ये सब टाइट होता है। और जो रतलाम का है जी अपना लंबा टमाटर, इसकी क्या पोजीशन चल रही है? टमाटर की पोजीशन है भाजी 600-650 रुपए की। और जो किनारे के नासिक के टॉप के टमाटर, जो नए टमाटर चालू हुए अभी, हाँ हाँ हाँ, उसकी पोजीशन है भाजी 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक, गिरनारे वाली। अच्छा जी, हाँ जी भाजी। और अपना ये जो राजस्थान की क्या पोजीशन चल रही है? जो राजस्थान में अपना ये जयपुर के करे चल गए, जयपुर की अलग अलग क्वालिटी के है भाजी, वो तो 350-350 रुपए से लेके 500 रुपए तक बिक रहा है। आज गड़ियां भाजी ज्यादा नहीं है मंडी में? आज अखबार के हिसाब से नहीं, ज्यादा है माल आज। हाँ, आज मुझे गड़ियां की लड़ने ज्यादा लगी जी, आज ज्यादा भाजी। अच्छा जी, अचानक ही आप चमक गया, हाँ खड़े मगर जान लेते हैं भाई साहब से। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब जी? मेरी दुकान का नंबर है जी सर हिमाचल वेजिटेबल D1272, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाजी 98-105-79-971। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ओके जी, ओके ओके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।